जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल न्यूज ऑफ ज्ञान पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं असम राइफल रैली भर्ती के बारे में, जहां पर असम राइफल के डिपार्टमेंट से राइफल मैन एवं राइफल वुमेन के पदों पर ओपन रैली भर्तियां जारी हो चुकी हैं, जिसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं। दोस्तों, जहां पर इस भर्ती के लिए खास बात है कि अगर आप लोग केवल और केवल 10वीं 12वीं पास हैं और आप चाहे भारत के किसी भी राज्य में रहते हैं, इस रैली भर्ती में भाग ले पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, अगर आप लोग भी केवल और केवल 10वीं 12वीं पास हैं और आप भी असम राइफल के अंदर एक अच्छी सी पोस्ट पर सिलेक्शन पाना चाहते हैं, आप भी रैली भर्ती में भाग लेना चाहते हैं, तो आज की इस वीडियो को पूरा देखिएगा। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि सबसे पहले आपको इस भर्ती का ऑफिशियल नोटिफिकेशन कहाँ से डाउनलोड करना है, साथ में यहाँ पर आपको इस रैली भर्ती के लिए कब से कब तक आपको ऑनलाइन आवेदन कर लेना है, साथ में यहाँ पर आपका इस भर्ती के लिए सिलेक्शन कैसे होगा, सैलरी क्या दी जाएगी, सारी की सारी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं। सो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। साथ ही साथ अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी पसंद आए तो प्लीज वीडियो को एक लाइक करके दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा। साथ ही साथ अगर आप लोग चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, साथ में बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट करना मत भूलिएगा। सो फ्रेंड्स, काफी अच्छी वैकेंसी है, चलिए चलते हैं ऑफिशियल वेबसाइट पर कंप्लीट डिटेल देखने के लिए। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बात कर रहे हैं असम राइफल रिक्वायरमेंट के बारे में, जहां पर असम राइफल के डिपार्टमेंट से 2023 के लिए राइफल मैन एवं राइफल वुमेन के पदों पर सीधी भर्तियों का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हुआ है, जिसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, असम राइफल भर्ती को लेकर काफ़ी सारे लोगों के वीडियोस पे कमेंट आ रहे थे कि सर में असम राइफल की नई भर्तियों के बारे में बताइए कि आखिर असम राइफल की नई भर्तियां कब तक में होने जा रही हैं, कितने पदों पर भर्तियां होने जा रही हैं, कौन कौन से राज्य के कैंडिडेट कब से कब तक आवेदन कर पाएंगे। तो फाइनली आप सभी को बता दें, असम राइफल के डिपार्टमेंट से 2023 के लिए नई एवं सीधी भर्तियों का रैली भर्तियों का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, साथ में आवेदन भी शुरू हो चुके हैं, जिसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं। दोस्तों, अगर आप लोग इस भर्ती के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आज की इस वीडियो को पूरा देखिएगा। साथ ही साथ अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक करके दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा। साथ ही साथ अगर आप लोग चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, साथ में बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट करना मत भूलिएगा। फ्रेंड्स, यहाँ पर सबसे पहले बात करेंगे इस भर्ती के लिए पोस्ट नेम के बारे में। तो यहाँ पर राइफल मैन एवं राइफल वुमेन के 81 पदों पर सीधी भर्ती होने जा रही है, जिसके लिए ऑल इंडिया के कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। आप चाहे भारत के किसी भी राज्य में रहते होंगे, आवेदन कर पाएंगे। साथ में बात करें इस भर्ती के लिए आपके अप्लीकेशन फीस के बारे में, तो यहाँ पर जनरल ओबीसी के लिए 100 रुपये, बाकी की सभी कैटेगरी के लिए अप्लीकेशन फीस बिल्कुल निःशुल्क रहने वाली है। बात करें जहाँ पर इस भर्ती के लिए आपके एज लिमिट के बारे में, तो यहाँ पर अगर आपकी उम्र सीमा 18 से 28 वर्ष के बीच है तो आप लोग आवेदन कर पाएंगे। वहीं बात करें इस भर्ती के लिए आपके सिलेक्शन के बारे में, तो यहाँ पर आपका सिलेक्शन क्वालिफिकेशन, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, रिव्यू मेडिकल एग्जाम, मेडिकल एग्जाम एवं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के आधार पर आपका सिलेक्शन होने वाला है। बात करें जहां पर इस भर्ती के लिए आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में, तो यहां पर 10वीं 12वीं पास कैंडिडेट इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। बात करें जहां पर अगर आप लोग इस भर्ती के लिए आवेदन करना चाहेंगे तो यहाँ पर आपके कौन कौन से डॉक्यूमेंट अनिवार्य रहने वाले हैं, तो यहाँ पर आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी,
साथ में एजुकेशन सर्टिफिकेट, साथ में पासपोर्ट साइज का फोटो सिग्नेचर, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, साथ में कास्ट सर्टिफिकेट या साइड डॉक्यूमेंट अनिवार्य रहने वाले हैं। बात करें जहाँ पर इस भर्ती के लिए आपके पे स्केल के बारे में, तो यहाँ पर आपको सैलरी मिलने वाली है 21,700 रुपये से लेकर 69,100 रुपये पर मंथ की। बात करें जहाँ पर इस भर्ती के लिए वैकेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, तो यहाँ पर सभी राज्यों के कैंडिडेट इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। आप चाहे भारत के किसी भी राज्य में रहते होंगे, आवेदन कर पाएंगे। बात करें जहां पर इस भर्ती के लिए इम्पोर्टेंट डेट के बारे में, तो यहां पर स्टार्टिंग डेट है अप्लाई करने की 1 जुलाई 2023, वहीं लास्ट डेट है अप्लाई करने की 30 जुलाई 2023। जी हाँ फ्रेंड्स, अगर आप लोग इस भर्ती के लिए आवेदन करना चाहेंगे तो आपको 30 जुलाई 2023 के पहले इसका आवेदन करना होगा। सो फ्रेंड्स, काफ़ी जो वैकेंसी है, मैं रिकमेंड करूंगा कि अगर आपके पास भी स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट है और आप भी असम राइफल के अंदर एक अच्छी सी पोस्ट पर सिलेक्शन पाना चाहते हैं, सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं, तो आप लोग इस भर्ती के लिए ज़रूर आवेदन करें, जिसका अप्लाई करने का लिंक मैं आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन पर देने वाला हूँ, जहाँ से आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी व वीडियो में दी गई जानकारी आपके काम की होगी। अगर वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक जरूर करिएगा। साथ ही साथ अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, साथ में बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।